Which one of the following is not an automatic consequence of the proclamation of emergency? A. Suspension of enforcement of fundamental rights, except those conferred by Articles 20 and 21. B. Extension of the Union's executive power to issue of directions to any state as to the manner in which its executive power has to be exercised. C. Extension of the power of Parliament to the making of legislation in regard to items of the state list. D. Suspension of Article 19. इसका राइट आंसर है ए. सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट दोज कन्फर्ड बाय आर्टिकल्स 20 एंड 21. अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली लॉ आर प्रोवाइडेड इन द ए यूनियन लिस्ट बी स्टेट लिस्ट सी कंकरेंट लिस्ट डी नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर है सी कंकुरेंट लिस्ट. दी कंकुरेंट लिस्ट वॉज डिस्क्राइब्ड एज ए ट्विलाइट जोन एज इट वर फॉर बोथ द यूनियन एंड द स्टेट्स आर कंपिटेंट टू लेजिस्लेट इन दिस फील्ड विदाउट कमिंग इन टू कॉन्फ्लिक्ट इज स्टेटेड बाय ए डी डी बसु बी ए वी डाई सी सी एम वी पायलट डी बी आर अम्बेडकर. इसका राइट आंसर है सी एम वी पाइली. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ए राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन बी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सी राइट टू प्रॉपर्टी डी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. इसका राइट आंसर है सी राइट टू प्रॉपर्टी. वी इलेक्ट ए प्रेसिडेंट फॉर हाउ मेनी इयर्स चूज वन ए 8 बी 2 सी 4 डी 10. इसका राइट आंसर है सी 4. डी ऑपरेटिव पार्ट ऑफ आर्टिकल 310 क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन बी एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन सी नोट विदस्टैंडिंग एनीथिंग प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन डी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 311. इसका राइट आंसर है बी एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट लेबर टेकन फ्रॉम प्रिजनर्स विदाउट पेइंग प्रॉपर रेम्यूनरेशन कम्स विद इन फोर्स्ड लेबर. ए दीना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया बी मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सी संजीत रॉय वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान डी ऑल ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर है ए दीना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज फाउंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द ए फंडामेंटल ड्यूटीज बी प्रियम्बल सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डी फंडामेंटल राइट्स. इसका राइट आंसर है सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सोलेमली रिजोल्व टू सिक्योर टू इट्स पीपल ए जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ एंड वर्शिप एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी बी फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज सी सिविल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फंडामेंटल राइट्स डी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट.
इसका राइट आंसर है ए, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। हु डिसाइड्स इन द पार्लियामेंट वेदर ए बिल इज ए मनी बिल? ए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, बी, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, सी, प्रेसिडेंट, डी, मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। इसका राइट आंसर है ए, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट वॉज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू पास ए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, बी, बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट, डी, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, डी, ऑल ऑफ द अबव एक्ट्स। इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव एक्ट्स। व्हाट इज द मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड नंबर ऑफ यूनियन मिनिस्टर्स? ए, 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बी, 10% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, सी, 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, डी, 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसका राइट आंसर है सी, 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। बाय विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 64B वॉज एडेड? ए, द कॉन्स्टिट्यूशन 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000, बी, द कॉन्स्टिट्यूशन 82nd अमेंडमेंट एक्ट 2000, सी, द कॉन्स्टिट्यूशन 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001, डी, द कॉन्स्टिट्यूशन 19th अमेंडमेंट एक्ट 2003। इसका राइट आंसर है ए, द कॉन्स्टिट्यूशन 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट? ए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे रिक्वायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर एडवाइस, डी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू एक्सेप्ट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेंडर्ड आफ्टर रिकंसिडरेशन। इसका राइट आंसर है डी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू एक्सेप्ट एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टेंडर्ड आफ्टर रिकंसिडरेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट? मैस्ड, ए, कलरेबल लेजिस्लेशन, व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन बी डन इनडायरेक्टली, बी, पिथ एंड सब्सटेंस, इंसिडेंटल इनक्रोचमेंट ऑन द फील्ड ऑफ अनदर लेजिस्लेचर इज परमिसिबल, सी, टेरिटोरियल नेक्सस, सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन मस्ट हैव टेरिटोरियल कनेक्शन विद द स्टेट, डी, रिपग्नेंसी, ए सिचुएशन इन विच ए लॉ मेड बाय द यूनियन इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद ए लॉ मेड बाय ए स्टेट। इसका राइट आंसर है ए, कलरेबल लेजिस्लेशन, व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन बी डन इनडायरेक्टली। द पोस्ट ऑफ लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा वॉज ए, क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बी, क्रिएटेड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1977, सी, क्रिएटेड थ्रू एन ऑर्डिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द नेशनल एमरजेंसी, डी, क्रिएटेड इन 1981 विद द कंसेंट ऑफ लीडर्स ऑफ ऑल द नेशनल पार्टीज। इसका राइट आंसर है बी, क्रिएटेड थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1977। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एन ऑर्डिनेंस कैन बी इश्यूड बाय द
प्रेसिडेंट एट एनी टाइम व्हेन ए द पार्लियामेंट इज इन सेशन, बी लोकसभा इज नॉट इन सेशन, सी राज्यसभा इज नॉट इन सेशन, डी बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। इसका राइट आंसर है डी, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स इज नेसेसरी टू बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू रिमूव ए स्पीकर ऑफ एनी लेजिस्लेटिव असेंबली, ए मिसबिहेवियर, बी इनकैपेसिटी, सी कंडक्ट इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है डी, नन ऑफ द अबव। विच वन इज द करेक्ट पेयर, ए एल चंद्र कुमार केस अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, बी रामेश्वर प्रसाद केस आर्टिकल 355, सी मध्य प्रदेश पुलिस एस्टेब्लिशमेंट गवर्नर्स पावर टू ओवर रूल द डिसीजन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, डी प्रफुल्ल कुमार केस हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। इसका राइट आंसर है बी, रामेश्वर प्रसाद केस आर्टिकल 355। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इलेक्शन कमिश्नर्स कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन पार विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन टर्म्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी इन द फॉलोइंग केस, ए एस एस धनोवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बी टी एन सीसन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, सी ए सी जोश वर्सेज शिवम पिल्लई, डी वेंकटेचलम वर्सेज ए शिवशिगम। इसका राइट आंसर है ए एस एस धनोआ वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया।